दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है पलकों का सिकुड़न, स्ट्रेच हो जाती है, पलकें जो है वो अपने आप सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, जिसे हार्डनिंग ऑफ द आईलिड्स भी कहते हैं। इस रोग में पलकें सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण बहुत अधिक परेशानी होती है। जैसे आप एक बार होम्योपैथी में आके देखें कि आपको कितना लाभ मिलता है। पलकें सिकुड़ने लगती हैं, इसके लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं। जो पहली औषधि है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। यदि पलकें अकड़कर बाहर की ओर सिकुड़ गई हों या पलकें फूल गई हों, तो आँखों से पीप निकल रहा हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम औषधि सिक्सिपुरिन से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। अगली जो दवाई है वो है हमारी नाइट्रिक एसिड। गर्मी से पैदा हुआ रोगों के तथा पलकों का सिकुड़न आदि लक्षणों में नाइट्रिक एसिड औषधि की सिक्सिपुरिन से बहुत ही लाभदायक होती है। आज मैं सिर्फ आपको पलकों के सिकुड़न के बारे में बता रहा हूँ। ये पलकों का सिकुड़न जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और कभी कभी होता है, लेकिन होता है। अगली जो दवा है वो है हेमामेलिस। पलकें सिकुड़ रही हों तो हेमामेलिस औषधि की मदर टिंचर की 10 बूंद गुनगुने पानी के साथ उपयोग करने से लाभ होता है। आप हेमामेलिस को मदर टिंचर में क्यू की पुडिंसी में आप लें, और इसे आप दिन में 3 से 4 बार लें, और इससे देखें कि आपको क्या लाभ होता है। आपको तुरंत जो है इससे लाभ मिलेगा। अगली जो दवा है वो है कैल्क्रिया का। पलकें ऐंठकर अंदर की ओर सिकुड़ गई हों तो कैल्क्रिया काप की सिक्सिपुरिन से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इससे आप प्रयोग करके देखें, आप जरूर इससे लाभ मिलेगा आपको। अगली जो दवा है वो है बोरेक्स। पलकें ऐंठकर अंदर की ओर सिकुड़ गई हों तो बोरेक्स औषधि की सिक्सिपुरिन से 2 बूंद अपनी डायरेक्ट जीप पर भी ले सकते हैं, या फिर आधे कप पानी में डाल के भी ले सकते हैं। यदि पलकों में ऐठन के साथ अंदर की ओर सिकुड़न हो तो इसमें जो है लाइकोपोडियम औषधि 30 की पुडिंसी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। सल्फर, अगर पलकें ऐठकर अंदर की ओर सिकुड़ गई हों तो सल्फर औषधि की 30 की पुडिंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। मर्क्यूरियस औषधि, रोगी की पलकें ऐठकर अंदर की ओर सिकुड़ जाने के लक्षणों में मर्क्यूरियस औषधि की 6 पुडिंसी का आप उपयोग करें, इससे काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। नर्व भूमिका, स्नायविक कमजोरी होने के कारण या प्रकाशा की गड़बड़ी होने के कारण अक्सर पलकें जो है सिकुड़ने लगती हैं। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए चश्मा लगाना चाहिए और नर्व भूमिका औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अगली और आखिरी जो दवा है हमारी है वो है पल्सिटिला। स्नायविक कमजोरी के कारण प्रकाशा की गड़बड़ी से पलकें सिकुड़ गई हों तो ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए पल्सिटिला औषधि 6 पुडिंसी का प्रयोग करें, और देखें कि आपको क्या लाभ होता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा दवाइयों के बारे में आपसे बता रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।